तो फाइनली मेरे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो जनरेट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंफर्मेशन का मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाता है। और मेरा जो इस यानी कि जुलाई महीने का जो बिल आया है वो 5,997.46 रुपीज़ है। और जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है जो कि टोटल अमाउंट का अप्रोक्सीमेटली 5% होता है, तो वो जो है वो 2,056 रुपीज़ आया है। यानी कि इस महीने यानी कि जुलाई के महीने में 31 तारीख इसका लास्ट डेट है, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक अगर मेरे पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो मैं जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो भी पे कर दूंगा, तो मुझे कोई चार्जेज नहीं लगेंगे और सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा। ये सेम मैसेज जो है आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी 5,997.46 रुपीज़ है और मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो 2,056 रुपीज़ और लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं 31 जुलाई से पहले ही इस अमाउंट को पे करके आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि पेमेंट जो है वो कैसे करने होते हैं। ये सेम मैसेज जो है आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक यानी कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो आता है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो है वो होम पेज है। अभी फिलहाल अवेलेबल बैलेंस 563.33 रुपीज़ है और लास्ट पेमेंट जो मैंने किया था वो 5,754 रुपीज़ का किया था। और इस महीने का बिल जो है आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो टोटल बिल है, इसके बाद मिनिमम ड्यू अमाउंट है और लास्ट डेट जो पेमेंट का है। अभी मेरे पास कोई भी अवेलेबल अमाउंट नहीं है जिसको मैं ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैंने एक रिसेंट में परचेज किया है यानी कि कुछ शॉपिंग किया है जिसका जो अमाउंट है वो 4,044 का है। तो ये अभी प्रोसेसिंग में है, जब प्रोसेस हो जाएगा तो ये ईएमआई में कन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका भी मैं वीडियो आपको जो है वो लाइव ईएमआई में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। और मैं जुलाई महीने का आपको कुछ अमाउंट दिखा दूँ कि ये जो मेरा ईएमआई बना है वो कितने का बना है, यानी कि कौन कौन से पेमेंट का बना है। तो मेरा 2 ईएमआई चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसका जीएसटी और उसका इंटरेस्ट जो है वो सारा मिला करके और प्लस 2,000 का मैंने शॉपिंग भी किया था, तो ये सारा मिला करके ही मेरा जो बिल है वो बन के आया है 5,000 समथिंग रुपीज़ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस महीने में मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाए गए हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के द्वारा। जैसे कि पहले मुझे जो है वो ओवर लिमिट फाइन लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि मेरे पास जो है वो अवेलेबल बैलेंस कम होता था, इसीलिए जो है मेरा ये इंटरेस्ट और जीएसटी मिला के मेरे जितने जितने लिमिट है उससे ज़्यादा का बिल बन जाता था। तो ओवर लिमिट का फाइन हर हर बार 590 का लग जाता था, पर इस बार वो फाइन नहीं लगे हैं क्योंकि मैं अवेलेबल बैलेंस अपने क्रेडिट कार्ड में रखता हूँ, एटलीस्ट 500 तो रखता ही हूँ। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो है वो पूछते हैं कि मेरा ओवर लिमिट का फाइन लग गया है, इससे कैसे बचे? तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अवेलेबल बैलेंस जो है कम से कम 500 रुपये या इससे ज़्यादा रखें, ताकि जो कोई भी आपका जीएसटी या फिर इंटरेस्ट का जो चार्ज है वो मिला करके आपके अवेलेबल बैलेंस से कम ही आए। बाकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। और अगले वीडियो में मैं आपको जो स्वाइप पेमेंट होता है यानी कि मॉल में इसे स्वाइप करके पेमेंट करते हैं, तो वो मैं लाइव दिखाने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।